हैं? हाँ ठीक ठीक, इसी की अर्जी लगी है जी जी, बैठ जाइए, माइक ले लो माता। तो किसी को आपने यहाँ नाम बताया था क्या? किसी ने पूछा था क्या? हमें कैसे पता लगा? हेलो, हाँ हेलो, मैं बागेश्वर धाम गई थी और मेरे भाई ने अभी बोला कि हर्षा तेरे को बुलाएंगे, अभी मेरा भाई, भाई ने बोला कि आज तेरे को पक्का पक्का बुलाएंगे। तुम्हारे भाई जानते हैं क्या? पता नहीं, वो माता जी के तो क्या तुम्हारे भाई के पास में हनुमान जी की शक्ति है क्या? अभी मेरे को बोला, अभी कहाँ है तुम्हारे भाई? वो अभी बोले कि हर्षा तेरे को अभी बुलाएंगे। और मैंने कहाँ है भैया इनके भाई? दद्दू बजरंग, बजरंग ए बजरंग, बुला 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 बजरंग बजरंग, पापा पापा, दादाजी दादाजी, आ जाओ आ जाओ, बागेश्वर धाम की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। तो आपने वहां या कहीं अपना नाम या बच्चे का नाम, जैसे अपना बताया, ऊपर बच्चे का तो नहीं बताया था? पढ़ी लिखी हो? आओ नजदीक, ठीक। तो तुम्हें गुजराती छे? लेकिन आप शिवम की माता जी नहीं है, आप बुआ जी हो शिवम की। बागेश्वर धाम की जय। हमारे भाई भाई के अनुसार आप माँ नहीं हो, बुआ हो। बुआ। कौन हो? बुआ, बुआ हूँ, बुआ हूँ। गड़बड़ हो जाता अभी मामला, पर हमारा भाई भाई वेरी हाई फाई। क्या समाधान चाहती हैं? एक आपकी समस्या गंभीर है जो आपकी माइक से बोलने लायक नहीं है। अगर आप चाहो तो हम माइक से बोलने को तैयार हैं, हमें दिक्कत नहीं है, पर उसमें तुम्हारी छवि खराब हो सकती है। हाँ तो हम जो है बिना माइक के बोलें, वो वाली हम बिना माइक हटा दें। हाँ, जो विषय है आप अगर माइक से सुनेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, यही हम आपको कह रहे थे। और जो बात है वो सबके सामने होनी चाहिए ताकि दुनिया को पता लगनी चाहिए। तो बाद में प्रणाम करना, पहले सुनो। आपके ससुर, आपके परिवार के सदस्य लोगों को जोड़ करके टीम बनाते थे, मेंबर बनाते थे, पैसा रखते थे, घाटा लग गया, धन तंगी हो गई, बर्बाद हो गए हैं, मकान बिक गया है, उत्पात मचा है, लोग लांछन व आरोप लगाते हैं कि तुमने पूरा पैसा खा करके बर्बाद कर दिया है और तुम्हारे ससुर से गलती हुई है, घर में उठा पटक मची हुई है, आप उसका उत्तर पाने के लिए दरबार में आई हैं। यही है, किसने किसने रुपया नहीं दिए? अच्छा, तुम्हारे पति का? जय सिया राम। स्वास्थ्य की भी दिक्कत रहती है, आपको सीना में समस्या बनती है
और हापी भरती है, घर में भी हापी भरती है, पिता को भी समस्या बनी, घर पे कलेश बहुत मचता है, परिवार में उपद्रव मचा, आपके पति का 9,85,000 रुपया बकाया है, विष्णु नाम के आदमी के पास में है, प्राप्त हो जाएगा, आशीर्वाद है। कैमरा करिए, ये हमने पूरी डिटेल लिख दी है, कुछ शब्द समझ में नहीं आएंगे, जहां ना समझ में आवे वहां पर आप पूछ सकते हो, मंत्र भी लिखा, हम कवच धाम पर देंगे, भगवान आपके शुभ दिन लाएंगे, 6 महीने में समय धीरे 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 परिवर्तन होने लगेगा और आपको कवच बालाजी का प्राप्त होगा, श्वास के लिए मंत्र चिकित्सा की जाएगी धाम पर। आपके पिता को बीमारी है, सीना में दिक्कत है, ये पर्चा में पढ़िए, हापी भरती पिता को, फिर पीछे क्लेश लिखा, हापी भरती, इसको कहते हैं दमा का रोग। तो उनको कहां है, आए हैं वो दरबार में, कहां पर है, आप कौन हो, यही है जो कह रहे थे कि हमें बुलाएंगे, तुम्हारे पास शक्ति अक्ति है क्या ठटरी के बारे, ये लो अर्जी कार्ड, पिताजी को आप वहां बैठार दो, हम झाड़ा लगा देंगे धाम पर, हम नियम कर दे भी, आज से ही तुम्हारी जय जय होने लगेगी, आशीर्वाद है पूरे परिवार को, आशीर्वाद। अगला नंबर भेजा जाए, तब तक अंगली आज्ञा, अब अंगली अर्जी धाम पे, जय श्री राम। अच्छा ये तो मंच पे भी आई थी, अच्छा बहन माइक ले लो बहन, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गुरुदेव भगवान की, भगवान रूपी भैया धीरेन्द्र शास्त्री के, हनुमान जी के मंदिर है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं हर जगह चली जाती हूँ, कोई कहता है क्या तू हर जगह चली जाती, मैं यही बोलती हूँ सबको, हनुमान जी एक ही है, इसलिए मैं सालासर भी जाके आई हूँ, मैं हर जगह हनुमान जी के मंदिर देखती हूँ, चली जाती हूँ, और मेरे को ऐसा लगता है जब मेरे माई का है, इसीलिए मैं ना अभी आपके अगर आपके अर्जी आपकी आप स्वीकार करें, मैं आपके हाथ पे राखी बांधना चाहती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ ना मेरे को यही, हम बाड़मेर गए थे, तुम वहाँ भी हमें दिख रही थी, हाँ वो झंडा लेके उसको वो मेरे ननद है उसको भी बोला, वो आपके लिए सामान लेके, नहीं नहीं हम उनको बाद में, पहले हम तुम्हारी अर्जी लगा दें, कुछ लोगों का भला रुक जाएगा, वो मेरी धर्म ननद है, बाद में उसके बाद में, हाँ। बाद में पहले हम आपकी अर्जी लगा के और लोगों की अर्जी लगा दें ताकि सबका भला हो जाए, मेरे को बीच में रोक दिया था, बहुत बड़ा दुख हुआ, ठीक है पूछो क्या समाधान चाहती हैं आप, मैं मेरे है ना दो मायका और ससुराल वाले दोनों परिवार को घर में सुख शांति प्रेम खुशियां देखना चाहती हूँ, जो भी दुख दरिद्र हो भगवान को सब पता है, मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊंगी, आधा बोलूंगी आधा रह जाएगा, लेकिन भगवान को सब पता है, पूरा ठीक कर दे, बालाजी के चरणों में ही है मेरा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में, मेरा निश्चय एक ही है, एक बार तुझे मैं पा जाऊं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, मेरे अवगण दो समर्पित भगवान तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मुझे कुछ नहीं पता मैं कहां जाऊं, कहां क्या करूं, कुछ मेरे को कुछ समझ नहीं आता, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ मेरे को ठीक कराए, जहाँ मेरे बच्चे गलत हो, मेरे घर वाले सब कोई गलत हो तो उनको ठीक कराएं, और सबको घर में सुख शांति, सब पूरी जो भी बालाजी का भक्त है उनको सबकी मनोकामना पूरी कराए, सबके घर में सुख शांति प्रेम खुशियाँ दें, और भगवान सबको सदबुद्धि दें, मेरी यही प्रार्थना है, जिंदगी भर मैं भगवान आपकी पूजा करती रहूं, ये पूजा आपने दी है मेरे को, इसको और दिनों दिन बढ़ाते रहे भगवान, आप पार लगा देना मेरा, ये मनुष्य रूपी जिंदगी मिली है मेरे को, इसमें पार लगा देना, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं बालाजी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ, और भगवान के चरणों में, राम कहो श्याम कहो घनश्याम कहो हनुमान कहो, सब एक ही है, मैं तो इनको सबको एक ही मानती हूँ, भले सीता राम कहो भले जगदम्बे माँ कहो तनोर माँ कहो, सब एक ही माता मानती हूँ सबको, और भगवान को एक ही मानती हूँ, जय सियावर रामचंद्र भगवान की, राधे श्याम की, सालासर बालाजी की, तिरुपति बालाजी की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, हे भगवान सबको सद्बुद्धि दे,
सबके अवगुण दो समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में, मुझे कुछ नहीं आता है भगवान, क्या करना है सब आपको ही करना है। एक भैया नया मंच लगवाओ प्रवचन के लिए। बहुत 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 खुशी हुई भगवान आपसे मिलके, बहुत बहुत दिनों से मैं इसके पापा है ना रिफाइनरी में, कहां हैं इनके पापा, के साथ में आई हूं बाड़मेर से, मेरे को बहुत खुशी हुई, मैंने कहा हनुमान जी कथा मेरे को जाना है। आप बाड़मेर में ही रहती हैं? नहीं, मैंने पापा से भी नहीं पूछा, मैंने कहा मेरे को पता है पापा से पूछूं पापा मना कर देंगे, पापा को बोला मेरा भैया कैसा है आपको पता है, लेकिन है ना पापा ने हाँ नहीं बोला, मैंने कहा मैं जाऊंगी पापा जी से पूछूंगी क्या प्रॉब्लम है, भगवान ने मेरे को भैया था क्यों दिया, इसमें क्या गलती हो गया मानी बताओ मुझे, मेरा भाई बहुत विकलांग है आपको पता है भगवान, आपसे कोई बात नहीं। राखी ले आई तुम? हाँ मैं लेके आई हूँ, मेरे को बहुत आनंद आते जान हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है मैं पियर आ गई हूँ, मैं मेरे घर वाले पूछ रहे हैं तेरे को कैसे यार तू बच्चों अकेली गई है, मैंने कहा मेरे कोई या कमी नहीं है भगवान की दया से सब, कल सुबह तो इतने बंदर आए थे। बस करो अब जो माइक हमें दे दो हम बोले इससे। हेलो तुम्हें भाई के बारे में क्या पूछना है, कहाँ है तुम्हारा भाई? अच्छा सुनो, चार बातें हैं तुम्हारी, परिवार के लोग तुम्हें पागल कहते हैं, अब वो कोई कहने वाली बात नहीं है, 100% है, क्योंकि हमारी बहना हो, ठीक है, बहुत प्यारी बहना हो, मजाक नहीं कर रहे, बस ये माइक ले लो, ज्यादा बोलियो ना माइक से, हैं हाँ ना भर बोलियो बस। परिवार के लोग लांछन आरोप लगाते, बहुत ज्यादा परेशान करते, कोई भी काम नहीं होता है, बच्चे तुम्हारे नाम रोशन करेंगे, भाई को पैर व शरीर में शून्यपन है, चलने में दिक्कत है, विकलांगता बनी हुई है, 60% आराम मंत्र चिकित्सा के बल पर आपके भाई को हो जाएगी, जाओ आशीर्वाद है। मंत्र मैं करूंगी, पापा करेंगे नहीं करेंगे, मैं करूंगी। आपका आप कर सकती हूँ, ये बातें एकदम सही सही एकदम, अब कुछ बोलना नहीं है तुम्हें, अब तुम्हें कुछ माइक दे दो हमें, अच्छा तुम ब्लेड क्यों लाई थी? नहीं टीका लगाने के लिए ब्लेड क्यों लाई तुम? तो ब्लेड से टीका राजस्थान में होता है क्या? हाँ ठीक है, अब हमारी बहन सुनो, हमारी सुनो बहन, भक्ति बहुत जरूरी है, पर इतनी भक्ति नहीं अपन को करनी है कि दुनिया वाले हंसें, आपको बहुत गंभीरता पूर्वक भक्ति करनी है, आप हमारी बहन हो सदा रहोगी, आपकी बाधाओं को हम समझ सकते हैं, दुनिया वाले क्या कहते हैं हम उस चक्कर में नहीं, पर हम आपको ये कहेंगे आज से तुम्हें कम बोलना है, ठीक, और आपके ससुर साहब के लिए भी हमने अर्जी लगा दी, उनके दोनों पैरों में दिक्कत है, चलने में भी समस्या है, उनको भी आराम लगेगा, भक्ति तुम्हारी तेज बढ़ेगी, नाम रोशन करोगी, भाई को मंत्र चिकित्सा से लाभ होगा, दोनों बच्चे नाम रोशन करेंगे, घर का उपद्रव दूर होगा, ससुर के घुटने ठीक हो जाएंगे, कोई भी प्रेत बाधा नहीं है, आप नाम जप करो, आगे किसी भी पब्लिक कार्यक्रम में जाने के लिए ब्लेड लेकर के नहीं आया करो, क्योंकि उससे गलत लोग इफेक्ट समझेंगे, कोई मारपीट कर देगा, गड़बड़ कर देगा, इसलिए आगे से किसी भी प्रकार से ब्लेड या इस प्रकार का धारदार हथियार नहीं लाना है, और बालाजी के प्रति पागल हो, हमारे प्रति पागल हो, हमसे ज्यादा आप अपने माता पिता के लिए पागल हो, ये हमारी आज्ञा है, ठीक है बहन, ये आपका अर्जी कार्ड तुम्हें इधर आओ, बच्चे मेरो प्यारो दामाद है, अभी दामाद लाला कहाँ है, ये तो भांजो है ना, वो कहाँ है साहब, अच्छा उनको बहुत उपद्रव करते थे ना, ठीक
भांजी लाला खुश रहो सदा, उनको भी एक बार लेकर आना, लेकिन आज से तुम्हें सुधरना है, ठीक है? और आज से ये ब्लेड रेड लेके नहीं घूमना है। नहीं सॉरी तो ठीक है, कान पकड़ने से नहीं, अभी सेवादार सिक्योरिटी वाले अभी तुम्हें उठा ले जाते ना। ठीक है, आशीर्वाद। चलो और एक और प्रार्थना, भारत में या राजस्थान के अन्य जो भी लोग हैं, हम ये नहीं कहते कि आपकी भक्ति कमजोर है, लेकिन हमारे जैसे पापी जीव को पाने के लिए आपको किसी भी प्रकार से ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे हमारी बेइज्जती या लोग हमें गाली बकें। ये हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप हमारे प्रिय हो पर ऐसी कोई भी हरकत मत करना, क्योंकि अभी पिछली कथा में भी इंदौर में एक माता जी ने नस काट ली थी, उसके बाद हमको बहुत हृदय में कष्ट पहुंचा है। आज इन बहन जी के पास में भी सिक्योरिटी वालों ने ब्लेड पकड़ी है, तो हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है इस प्रकार का कृत्य किसी को भी नहीं करना है। हम आपके अपने हैं, हम कोई पराये नहीं है, ना तो हम कोई ऐसे हैं, लेकिन आप ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमें नीचा देखना पड़े। आप कुछ करोगी तो घर वाले आपके हमें गाली बकेंगे, और तुम अगर हमें चाहते हो तो हमें गाली मत बकवाना। इसलिए आपका प्रेम आपकी भक्ति हमें स्वीकार है। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की। हाँ, आपकी जय हो, गुरु भाई की जय हो। आप वही हो जो वहां खड़े थे, तो रात को चश्मा कैसे लगाएं भाई? दिन में तो ठीक है ठटरी के बरे, रात में चश्मा लगा के तू किसको निहार रहा है? अच्छा इधर बैठो, इधर मुंह करो भाई। अब लगाए रहो चश्मा, अब मत उतारो, अब लगाओ चश्मा, अब लगा के आए तो लगाओ के बैठो। भैया राजस्थान वाले बहुत गजब के होते हैं, हमने दिन में धूप का चश्मा तो सुना था, रात को नाइट चश्मा हम पहली बार देख रहे हैं। अब कौन सी धूप है? हैं कहाँ के हो तुम? सांचौर के हो? हाँ यहाँ ऐसे ही लोग पाए जाते हैं। तो ठीक है फिर तो तुम ठीक लगाए, फिर तो तुम दो लगाओ, एक नहीं दो लगाओ। हाँ अच्छा, दो अर्जी श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार आगे और लगाई जा रही हैं। जो बीच में दूसरी डी में तीसरी डी में ताऊ ये टोपी बांधे हुए विराजमान है, पगड़ी बांधे हुए, पागड़ी बांधे हुए, इन्हीं ताऊ को जरा उठा दीजिए। हाँ उनको उठा दो बेटा, जो भी सुन रहे हो इनको खड़ा कर दो, कह दो आ जाओ तुम्हारी अर्जी लग गई है। आप नजदीक आओ, हम आपकी अर्जी तब तक लगा दें। जय सियाराम। हमने लिख लिया, बताएं क्या समाधान चाहते बालाजी? हाँ ठीक है, सांचौर में कहाँ रहते हो? शिवनाथपुरा। ठीक है, क्या समाधान आप बागेश्वर बालाजी से चाहते? आपके चार विषय हैं। पहला विषय भक्ति बढ़ जाए, बालाजी से जीवन भर जुड़ना चाहते। माइक ले सकते हो, हम कुछ भी ऐसी बात नहीं बोलेंगे। पहला भक्ति चाहते, जीवन भर बालाजी से जुड़ना चाहते। घर में विघ्न व लड़ाई बन गई, आपस में क्लेश हो गया, आपस में क्लेश, पत्नी व बच्चों से बन गया है, बहुत उपद्रव मचा है, बहुत ज्यादा दूरी हो गई है, आप चाहते हो कि उनकी गलत फहमी दूर हो जाए, क्योंकि गलत फहमी एक स्त्री ने भर दी है जिस कारण से उत्पात मचा है,
एक नहीं गुरु जी, दो स्त्री है। अब वो तुम्हारी घर की है, एक जन है, एक हमारे घर की, तुम्हारी एक घर की सगी है, सगी मेरे, एक बाहर की है, बाहर की है, और उसी ने जो है उपद्रव मचाया है, उसी ने तुम्हें गंदा चारित्र का आरोप लगवा दिया है, तो तुम इलू इलू चक्कर में फंसे हो। वो मेरे पे दिया गुरु जी। बोलो हाँ जी या ना जी, यही है हमारे गुरु जी कह रहे हैं, जाओ सामंजस्य हो जाए, तुम्हारे बच्चे घर आ जाए हैं, बालाजी लीला कर दे हैं, घर का उपद्रव दूर होगा, उनके मुंह पर तमाचा लगेगा, जाओ आशीर्वाद है। बालाजी महाराज की जय, जय हो बागेश्वर धाम की जय, जय हो सन्यासी बाबा की जय, जय हो गुरुदेव भगवान की जय, जय गुरुदेव भगवान राम भद्राचार्य जी की जय हो। एक राज और बता रहे हूं, एक मिनट, जय सियाराम, जय सियाराम। ध्यान ना देने के कारण 2 साल से व्यापार में तंगी बनी, उपद्रव मचा, मध्यम हो गया, व्यापार तेज गति पकड़ेगा, कृपा होगी और घर पर सेना पहुंचेगी, कोई भी तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं है, इस संदेह में ना रहें। आप स्थान बदलने की सोच रहे हैं, स्थान अभी ना बदलें, यहीं पर फलीभूत होगा। 2025 3 मार्च के बाद तुम्हारा व्यापार तेज गति पकड़ लेगा, सामंजस्य बन जाएगा, आशीर्वाद है। धाम की जय, जय सन्यासी बाबा की जय, जय गुरुदेव भगवान की जय। कोई संदेह? कोई संदेह नहीं है, मैं तो बालाजी का भगत हूँ 8 साल से गुरु जी। 8 साल से? हाँ, लॉकडाउन पहले, लॉकडाउन से पहले मैं पूरी रात भर बालाजी का ही कथा सुनता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ, सब कुछ करता हूँ। कल रात को पूरी रात बालाजी की कथा सुनी आपकी है, पूरी रात प्रेरणा की बालाजी से कि मेरी पुकार सुनो बालाजी, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे आपके सिवा कोई नहीं है। अब लेकिन रात के चश्मा ना लगाइयो। नहीं गुरु जी, ये तो बालाजी ने कहा था तब मैंने लगाया था। नक्कटा, लगाइयो तो एक हमें ले आइयो, आपके मैं ले आऊंगा। तुम बागेश्वर धाम आइयो, पेशी शुरू कर दो, 21 पेशी करने, और वहीं से हम नियम कर दें भी, 2 महीने में लगातार करियो, अखंड रामायण को पाठ घर पे करवा दियो, और परिवार की फोटो चाने, बाकी हम पर छोड़ो, आशीर्वाद। दूर से प्रणाम, दूर से, हमारा नियम है छू कर प्रणाम निकल। अगला नंबर भेजा जाए। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हाँ साफा है, हम बांध लेंगे। चलो साफा है, आई, क्या नाम है? ओ इनकी अर्जी तो नहीं लगी, आप पीछे बैठे थे क्या? ओहो नहीं लगी, फिर भी बैठो। कहाँ के रहने वाले हो? माइक ले, ये हेलो हेलो ले, यहीं से, सांचौर, यहीं सांचौर में रहते? सांचौर में कहाँ रहते? छोरा, छोरा गांव, छोरा गांव का नाम छोरा। कौन से गांव में रहते हो? छोरा में? छोरा, छोरी तो नहीं है कहीं? बता लो, छोरा नाम है गांव का? अरे भाई राजस्थान बहुत गजब है, मारो रंगीलो राजस्थान। बागेश्वर धाम की, तुम्हारे देवी है कुल में? देवी है कुल में? सामुंडे माता।
क्या समाधान आप बालाजी से चाहते हो, पूछो। पिताजी खाट में सोए हुए हैं। ठीक है, तो डॉक्टर को नहीं आपने दिखाया? डॉक्टर को दिखाया था। क्या बताया? तो बोला रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। ठीक है, और कुछ जानना है? भाई का रिश्ता नहीं हो रहा काफी टाइम। पढ़िए। काम में रुकावट वृद्धि हो जाएगी, देवी कुल में है, भगवती देवी माँ चामुंडा भगवती है, पिताजी को दिक्कत है, परेशानी नसकी बनी दूर होगी, 20% सुन्नपन दूर हो जाएगा, शिथिलता आ गई है, चलने उठने बैठने में दिक्कत हो गई है, चलने उठने बैठने में दिक्कत हो गई है, डॉक्टर ने लाइलाज बताया है, अभी दवा असर नहीं कर रही है, हम उपाय कर देंगे बालाजी की दया से, हमें जो शक्तियों ने कहा है 35% लाभ होगा, भाई का मंगल काज 2025 में संपन्न होगा, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। तुमने कहीं दिखवाया है इनको? हाँ। बहुत ज्यादा दिक्कत जी, दवा बिल्कुल भी असर नहीं कर रही। अच्छा, आप भगवती के नाम से जो कुल देवी हैं, 108 नींबुओं की माला बनाकर पिताजी के ऊपर से उसारा करके आप देवी को चढ़ाओ, डॉक्टरी सलाह चलने दो, उसको रोको मत। ठीक है, ठीक है, हम मंत्र चिकित्सा भी करेंगे जी। भगवती की कृपा भी होगी और डॉक्टरों की दवा भी चलेगी। अच्छा। तीनों के प्रभाव से इन्हें शीघ्र आराम लगने लगेगा। धन्यवाद गुरु जी। इसमें एक मंत्र भी लिखा नीचे वाला, ये आप पढ़ते भी रहते हैं। चलिए, साधु जी